तो मैं अभी मौजूद हूँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहाँ पर चल रहा है कवि कुंभ। देश के 300 से अधिक कवि कवित्री यहाँ पर मौजूद है। चलेगा 3 दिवसीय कवि कुंभ है और ये सुबह से शुरू होता है, यानी 12 बजे के बाद से, और ये रात तक चलता है। देर रात तक यहाँ पर जो है कवियों का, कवित्रियों का जमावड़ा मिलता है। तो अब हम यहाँ पर आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कवित्री से जिन्होंने न जाने कितनी कवित्रियों की खेप तैयार कर दी है, न जाने कितनी कवित्रियों ने इनसे प्रेरणा ली है और आगे बढ़ रही हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में। अनामिका जैन अंबर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बंगाल की जो घटना हुई है वो उसने तो पूरे देश को झकझोरा है, पूरे सड़कों पर सब उतर आए हैं। उसको लेकर के यदि आपने कुछ तैयार किया हो तो 2 लाइन देखिए। सबसे पहले अमर उजाला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद भी कि मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगता है यदि एक बहुत साधारण किसी गृहिणी, वो नारी है, और उससे ये पूछा जाए कि ऐसी कोई घटना घटी है तो क्या आप कुछ बोलना चाहोगे, तो वो तक भी इस पर अपने विचार रखेगी। जब दामिनी घटना घटी थी तब पूरा देश, पूरी दुनिया, जहाँ जहाँ तक ये खबर गई थी वो दहल गए थे। लोग रात में चैन से सो नहीं पा रहे थे। घर में बेटियों को देख करके ये लग रहा था कि अब इनकी, ये इनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा, ये सुरक्षित हैं या नहीं है। उस घटना के बाद एक ऐसी घटना ये दोबारा यहाँ हमें देखने को मिली है बंगाल में, और दुख इस बात का है कि कुछ बुद्धिजीवी जो बढ़ चढ़ के कहीं भी किसी भी स्थान पर घटना घटने पर ज़रूर अपने विचार रखते हैं, उन्होंने इस घटना पर एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो सिलेक्टिव हो गए हैं। यदि उत्तर प्रदेश में घटना घट रही है तो ज़रूर बोला जाएगा, मध्य प्रदेश में घट रही है तो ज़रूर बोला जाएगा, लेकिन यदि वो घटना दिल्ली में या बंगाल में घटती है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। तैयार करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये देश की विडंबना है कि इस प्रकार की घटनाएँ घट रही हैं। बहुत दुख होता है लोगों की सोच पर, बहुत दुख होता है जब कहीं उत्तर प्रदेश से ये आवाज़ आती है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। बहुत दुख होता है जब दामिनी केस चल रहा था उस समय आरोपी का जो वकील था उसने एक बहुत ही घटिया बात कही थी, जिस बात को मैं यहाँ पर कहूँगी। हमने जैसा सुना जैसा जाना वो आप तक पहुँचा थी। उन्होंने कहा कि जब आप मिठाई खुले में रखेंगे तो कुत्ते तो चाटेंगे ही, जब इस प्रकार की भाषा इस देश की होने लग जाए सबसे पहले प्रतिबंध लगना चाहिए गालियों पर। जिस गाली में माँ का, बहन का अपमान हो, नारी का अपमान हो, जब आप मौखिक रूप से ही स्वच्छंद नहीं हो पा रहे, स्वच्छ नहीं हो पा रहे हैं, तो वैचारिक रूप से किस हद तक स्वच्छ होंगे, ये सोचने की बात है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पिछले दिनों एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जब इस प्रकार की घटनाओं को आप लोग खुद मीडिया वाले जब इस प्रकार की घटनाओं को बहुत बार दिखाते हैं, दिखाइए, बहुत ज़रूरी है, कोई बात नहीं, दिखाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, लेकिन जब दंडात्मक कार्यवाही हो या उसको, उस आरोपी को दंड दिया जाए, और कितना कठिन दंड उसको दिया जा रहा है, उस प्रावधान को भी बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, रिपीटेड न्यूज़ के साथ ज़रूर दिखाया जाना चाहिए। रही बात मेरे विचार की, तो मैं यही कहूँगी कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है। खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है। लेकिन इसके बाद भी लड़कियां कुछ भी कर लें, तब भी यदि कोई मानसिक रोगी है ही तो उसके लिए क्या किया जाए। बंगाल में जो घटना घटी वो दरिंदगी की पराकाष्ठा है, वो ऐसे हैवानों के बारे में है जिन्हें इंसानों के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। तब मैं ये कहूँगी कि जो परियों की पाखे नोचे उनके भी पर छटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, और मासूमों की असमत से जो खेले हिंदू मुस्लिम हो, आंखें नोच के फेंकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। बहुत जरूरी है कि उनके दंडात्मक प्रावधान को दुनिया भर में दिखाया जाना चाहिए। जी मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है। आपने बहुत कुछ बोल दिया बहुत ही कम शब्दों में। आप लखनऊ अभी तक कितनी बार आई हैं, और आपको लखनऊ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, और क्या उसके लिए आपने कुछ लाइनें तैयार की हैं तो हमारे दर्शकों के लिए हो? ठीक है, मैं उससे पहले एक बात पूछना चाहूँगी। मैं, आपने नाम बताया होगा, मैं सुन नहीं पाई थी, आपका नाम क्या है? गौरी। गौरी, बहुत अच्छा नाम।
लखनऊ में अनगिनत बार आई हूँ, मतलब इतने बार आई हूँ कि मैं गिनती में तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूँ और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और मेरे काव्य पाठ के कारण, मेरे कविताओं के जो मेरी रचनाएं हैं उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए लखनऊ कई बार आना मेरा हुआ है। लखनऊ में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो आज अभी जो लगी है वो है गौरी जी, जो कि मेरी बातें आप तक पहुँचा रही। वैसे चाहे लखनऊ हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, मैं एक ही बात कहती हूँ, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। देश भारत का हर कोना मुझे बहुत पसंद है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मैम। अब मैं आपका बहुत कम समय लेते हुए, आपने आपके कुछ आगामी एल्बम सॉन्ग कुछ कविताएं अगर कुछ आने वाला हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो आ चुके हैं वो भी लोगों तक पहुंचे हैं और लोगों ने उनको पसंद भी किया है, चाहे राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर हो, चाहे यूपी में बाबा हो, चाहे अभी एक और गीत जो लेटेस्ट चल रहा है राम को मिल गई राम की अटारी, चाहे ज्ञान वापी को लेकर के हो। जो अभी लेटेस्ट आने वाला है उसकी शूट भी हो चुका है और एक आध दिन में वो लोगों तक पहुँच भी जाएगा, अभी पिछले दिनों रक्षाबंधन पर भी आया। तो जो आने वाला है वो है कि बंद पिंजरे के कैद परिंदे एक बार उड़ा कर तो देखो, बंद पिंजरे के कैद परिंदे एक बार उड़ा कर तो देखो, गम छूमंतर हो जाएंगे एक बार उड़ा कर तो देखो, गम छूमंतर हो जाएंगे मुस्कुरा कर तो देखो, मुस्कुरा कर तो देखो, मुस्कुरा कर तो देखो, मुस्कुरा कर तो देखो। पंक्ति ऐसी है जिन्हें मैं तहत में बोलती हूँ कि मत सोचो कि कदम कदम पर मुश्किल आएगी, गिर के उठो उठकर संभलो मंजिल मिल जाएगी, रस्ते अपने आप बनेंगे कदम बढ़ा कर तो देखो, गम छू मंतर हो जाएंगे मुस्कुरा कर तो देखो। मुस्कुराते रहिए, खासतौर से आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराते रहिए। चलिए, हम आप यही सोचते रहते कि भाई ये फैन फॉलोइंग और दिन प्रतिदिन उम्र के साथ बढ़ती खूबसूरती का राज क्या है, तो ये जो राज है ये यहीं से आता है कि आप मुस्कुराते रहिए, लोगों में खुशियाँ बांटते रहिए और मैम की तरह लाखों लोगों को, अपने क्षेत्र के लाखों लोगों को तैयार करते रहिए, प्रेरणा देते रहिए। आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।